हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फूड बहार चैनल। आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं लाल मसूर की दाल, जो सबको ही बहुत पसंद होती है और सबके घरों में थोड़े अलग अलग तरीके से बनती है। तो आज हम आपके साथ में अपने तरीके से मसूर की दाल की रेसिपी शेयर करेंगे। तो यहाँ हमने ली है 200 ग्राम लाल मसूर की दाल, इसको अभी हमने वॉश नहीं किया है। इसी के साथ हमने लिया है एक कटा हुआ टमाटर, और यहाँ हमने लिए हैं सूखे मसाले, एक चम्मच हल्दी, नमक, एक चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हमने यहाँ पर ली है 5 से 6 हरी मिर्च, जिसको हमने कट कर लिया है। और इसी के साथ हमने यहाँ पर लिए है इसमें तड़का लगाने के लिए आधी प्याज, आधा चम्मच जीरा और 2 तेज़पत्ता। दाल को हम अब वॉश करेंगे, इसको हम 3-4 पानी से वॉश करेंगे। तो देखिए, हमने इसको वॉश कर लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए हम इसी तरह से भिगो कर रख देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, अब हम दाल बनाने की तैयारी करते हैं। हमने लिया है यहाँ पर 1 छोटा चम्मच तेल, इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज, इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता और ज़ीरा, इन तीनों चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, ताकि ये चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, हल्दी, नमक और लाल मिर्च। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार से ही डालें। सारे मसाले डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी, ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। तो देखिए, टमाटर जो है वो काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें जो है हम मसूर की दाल को ऐड कर देंगे। दाल को आधा घंटा हो चुका है भीगे हुए। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दाल डालने के बाद इसको हम चला देंगे, और चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी हमें उतना रखना है कि दाल जो है अच्छे से पक जाए। अगर आपको पानी कम लगता है तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद इसको हम ढककर पकने के लिए रख देंगे। कम से कम इसे हमें पकाना है 15 मिनट, क्योंकि ये भीगी हुई है तो जल्दी पक जाएगी। 15 मिनट हो चुके हैं, अब दाल को हम चेक कर लेते हैं। तो दाल जो है काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो जो है मिर्चें इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और इसी दौरान आप नमक को भी टेस्ट कर सकते हैं कि नमक हल्का तो नहीं है। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ ली है आधी बारीक कटी प्याज, आधा चम्मच जीरा और 2 से 3 लाल मिर्च साबुत वाली। अब एक फ्राई पैन में हम लेंगे सरसों का तेल, आप चाहें तो जो भी आपके पास ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म होने के बाद अब इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज। प्याज को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और ज़ीरा। तो प्याज और मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं, इसको हम तड़का लगा देंगे दाल के अंदर। तो लाल मसूर की दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आज की हमारी लाल मसूर की दाल की रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।